बात का जवाब मुझे अमित शाह से चाहिए, मोदी से चाहिए। चल रहा था कैंपस के अंदर, लेकिन ये वायलेंस क्यों हुआ, किसके वजह से हुआ? ये सिर्फ यहाँ दिल्ली पुलिस की वजह से, और किसके कहने पे, किसके कहने पे, यहाँ की सरकार के कहने पे? भारत सरकार का कहना ये है कि हम किसी को नागरिकता दे रहे हैं, किसी की नागरिकता ले नहीं रहे हैं। मजहब के तौर पे, रिलीजन के तौर पे भेदभाव किया जा रहा है। हम इस समय जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के ठीक सामने खड़े हुए हैं, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं के पुरुष सब लोग यहां पे उपस्थित हैं और लगातार वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। यहां पे मौजूद उन तमाम लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनमें इतना गुस्सा क्यों है। महिलाओं से हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनकी क्या मांग है, आखिर वो सड़क पर इतनी सर्दी में आके क्या अपनी मांग कर रही हैं और उनमें इतना गुस्सा क्यों है। हम यहाँ पे आए हैं, हम यहाँ पे किसी जात के अगेंस्ट में नहीं आए हैं, हम सिर्फ आपको बता देना चाहते हैं कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। हम अगेंस्ट है कैब के, हम अगेंस्ट है एनआरसी के। बोला जा रहा है कि कैब और एनआरसी दोनों अलग अलग हैं, बट ये बताओ कि जिसके पास डॉक्यूमेंट का प्रूफ नहीं होगा मुसलमान के पास, वो क्या करेगा? हिंदू को बोल दिया जाएगा या किसी और जाति को बोल दिया जाएगा कि कैब में आ जाओ? कैब में आके दोनों एक दूसरे से वो इंटरलिंक हो रहे हैं। तो आप हमें बताओ कि अगर मेरे फादर के पास या उनके फादर के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करेंगे ऐसे में? मेरा जवाब ये अमित शाह से है, ये मोदी से है, हर एक उस इंसान से है जो कैब और एनआरसी का सपोर्ट कर रहा है। हॉस्टल्स में घुसे लड़कियों के साथ जाके उन्होंने बदतमीजी करी, क्या उसके लिए कोई दिल्ली पुलिस का कोई भी दिल्ली पुलिस की साइड से कोई कुछ नहीं बोला? सारे के सारे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई लीडर सामने आया है? कोई लीडर अभी तक सामने नहीं आया है किसी के लिए। जब ट्रंप ने बोल दिया है कि किसी और नेशनल से, किसी और देश से मैं लोगों को नहीं ले सकता, तो इंडिया की पॉपुलेशन तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है कि तुम लोग कैसे और लोगों को इंडिया के अंदर ले सकते हो? इस बात का जवाब मुझे अमित शाह से चाहिए, मोदी से चाहिए। और मैं नहीं जानती कि मेरी आवाज़ ये लोगों तक पहुँच पाएगी या नहीं पहुँच पाएगी। मेरी यही कोशिश है कि लोग मेरी आवाज़ को हर उस लोग तक पहुँचाएँ जिनको कैब और एनआरसी का फ़र्क नहीं पता। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप किस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपकी मांग क्या है? हमारा मांग सबको पता है, लेकिन मैं वाजह कर देता हूँ। जो ये गवर्नमेंट ने एनसीआर के लिए जो सीबीए पहले था, भी सीए हो गया है, ये जो कानून लागू किया है, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूट और हमारे भारत के संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। और ये बिल्कुल इससे ये बात वाजह होती है, एक्सप्लेन हो जाती है कि मजहब के तौर पे, रिलीजन के तौर पे भेदभाव किया जा रहा है। कि आप कह रहे हैं कि एक मजहब को लेकर बनाया गया ये कानून इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो नहीं मैं, हाँ। मुस्लिम समाज को क्या मतलब परेशानी होगी इसको लागू होने? मुस्लिम समाज को क्या परेशानी लागू होगी? ये बिल अगर आप सही से पढ़ेंगे, देखेंगे, जाने तब जान पाएंगे कि बिल में बस इतना कहा गया है, मतलब ये बात वाजह है कि हिंदुस्तान में जब एनसीआर लागू होगा, एनआरसी जब लागू होगा, किया जाएगा, तो जब लागू होगा तो उसमें जितने सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, उनमें अगर नॉन मुस्लिम निकलते हैं, बात तो सुन लीजिए, आपके सवाल नहीं आपके सवाल का जवाब तो सुन लीजिए पूरा। उसके एनआरसी लागू करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, अगर नॉन मुस्लिम हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी, अगर मुस्लिम है तो नहीं दी जाएगी, तो मतलब ही क्या हुआ? इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि भारत सरकार का कहना ये है कि हम किसी को नागरिकता दे रहे हैं, किसी की नागरिकता ले नहीं रहे हैं, यहाँ सब सुरक्षित है, तो आपको इसमें समस्या, मतलब जो तीन कंट्री की वो बात कर रहे हैं कि हम उनको नागरिकता देंगे जो लोग वहाँ से प्रताड़ित होकर आए हैं, यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, उनकी नागरिकता हम ना खत्म कर रहे हैं, तो हाँ ठीक है, वो बात तो ठीक है, लेकिन जब लागू करेंगे उसमें जो बात है उस पर आप गौर कीजिए, आप बाहर की चीज़ में मत कीजिए। और एक दूसरों को बांटने में लगे हैं कि हिंदू मुस्लिम है, इससे हमारा सरकार नहीं चलता, हिंदुस्तान हमारा है, हम यहाँ के वासी हैं। इसमें पूछेगा लोग कि भाई आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम के आधार पर बांटा जा रहा है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सरकार का इस बिल पर यह कहना है कि हम नागरिकता दे रहे हैं, हम नागरिकता इसमें लेने की कोई बात ही नहीं कर रहे। नहीं नहीं, वो ठीक है, नागरिकता दे रहे हैं, तो ये जो बोल रहे हैं अमित शाह जी, ये बोल रहे हैं लोगों पर कि हम हर जाति को लेंगे और मुसलमान को छोड़ के, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये कहना है कि जो तीन केवल कंट्री से हम ले रहे हैं वो मतलब कि इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो वहाँ प्रताड़ित दूसरे लोग होंगे, तो इसलिए उनको ले रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ये सिर्फ मुद्दा 6 साल हो गए हैं, और 6 साल में सरकार जिस मुद्दे पर आई थी उस मुद्दे से भटकाने के सीबीआई राज हैं।
और इसका कुछ नहीं है। माइनॉरिटी की बात नहीं है। कहते एक तरफा बात जो कह रहे हैं कि सारी जाति को लिया जाए और सिर्फ मुस्लिम को छोड़ा जाए, तो भाई हम 25 करोड़ यहाँ पे लोग हैं, अगर हमें ये करना ही होता तो इससे पहले हम पाकिस्तान चले जाते। इसमें हम लोगों ने खून आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं जामिया का ही छात्र हूँ, मैं एक मीडिया का छात्र हूँ। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले असम में NRC लागू हुआ, 40% मुसलमान है, उनको बचाने के लिए आप सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाए जो कि अब एक एक्ट बन चुका है। और इस एक्ट में देखिए सिर्फ मुसलमानों को एक्सक्लूड क्यों किया जा रहा है, क्यों इस मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? और ये कौन होते हैं हमसे, ये सरकार जिस सरकार को हम वोट देते हैं ये हमसे अधिकार मांगे कि आप इस देश में रहें या ना रहें और इस देश की नागरिकता आपको दिया जाए या ना जाए? ये कौन होता है जिनको हम वोट करते हैं, जिनको हम बनाते हैं? इस देश की ही जनता मिल करके एक सरकार बनाती है। ये मोदी सरकार गलत फहमी में है कि मुसलमान उनसे डर जाएंगे और मुसलमान डिटेंशन कैंप में डाल देंगे। गलत, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप बताइए जो असम में जो NRC हुआ उसमें 1600 करोड़ रुपये खर्च हुए, किसका हुए? क्या वो BJP के था पैसे? क्या BJP का बाप का तो नहीं था ना? हम इंडियंस के थे, हम भारतवासियों का था, क्योंकि हमने टैक्स दिए थे। खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे आप? नहीं, हम कैब के खिलाफ। इसलिए सर जस्ट एग्जांपल, ये भाई मान लो सपोज हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, दोनों हम लोग का घर जल गए और उसमें जो डॉक्यूमेंट है वो जल गए, तो ये भाई साहब हम दोनों को कैंप में डाल दिया गया, और ये भाई साहब हिंदू है तो इसको सिटीजनशिप मिल गया और हम मुस्लिम हैं तो हमको सिटीजनशिप नहीं मिला।